देखिए ना, दाल वड़ा ना मेंदू वड़ा, ये कांदा वड़ा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। बहुत ही खुशखुशी और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें खाने के सोडा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनता है ये कांदे का वड़ा। तो देखिए, वड़ा बनाने के लिए उन्होंने ये दाल रात भर भिगो के रखी थी। अब इसको हम लोग पीस लेंगे मिक्सर में, एकदम बारीक नहीं, थोड़ा हल्का दरदरा और बारीक मिक्स करके पीस लेंगे। देखिए, दाल हम लोग ने मिक्सर में पीस के ले ली है। अब इसको हम लोग हाथ से 4 से 5 मिनट तक ऐसे करके फेंट लेंगे तो दाल थोड़ी हल्की हो जाती है। ये देखिए, दाल हम लोग ने 5 मिनट के लिए फेंट ली थी। 5 मिनट लगा है मुश्किल से फेंटने में। अब इसको हम लोग एक ग्लास में थोड़ा पानी लेकर और ऐसे करके दाल डालेंगे। और ये देखिए, दाल हमारी ऊपर आ गई, मतलब ये फिट गई है। अब इसमें खाने का सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बहुत अच्छी बनेगी। इसमें हम लोग कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, 2 प्याज काट के लिया है हमने, ये हरी धनिया है, और ये लहसुन और मिर्ची और अदरक कूट के लिया है, ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्ची है, और स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम लोग सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, एक कढ़ाई में हम लोग ने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा गरम है। अब हम लोग हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के ऐसे लेके इसका, आप चाहे तो भजिया के जैसे भी तल सकते हैं, लेकिन हम वड़ा बना रहे हैं तो हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हल्का सा पानी लगा के हाथ में आराम से सब डाल देंगे। गैस तेज ही रखनी है, धीमी नहीं रखनी, एकदम तेज आंच पे ही इसको करना है। और इसको अभी हम लोग चलाएंगे नहीं, थोड़ी देर इसको पकने देंगे, नहीं तो वो चिपकेगा और उसका शेप भी खराब हो जाता है। इसके लिए थोड़ी देर उसको पकने देंगे। ये देखिए, वड़ा हमारा एक साइड से हो गया है। अब इसको हम लोग आराम से पलट देंगे। और इसको पलट के भी सिकने देंगे, आंच मीडियम कर देंगे, मीडियम लो आंच पे इसको हम लोग पकने देंगे। देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से एकदम लाल पक गया है, इसको अब हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ मीडियम आंच पे करेंगे तो दाल भी अंदर से पकेगी और अच्छा फ्राई भी होगा। ऐसे ही निकाल के हम लोग सारे वड़े तल लेंगे। तो देखिए, नाश्ता हमारा तैयार है, गर्मा गर्म वड़े, कांदे वड़े। और बिना, इसको आप हरी चटनी से, सॉस से खा सकते हैं। और देखिए, बिना खाने वाले सोडा के कितना सॉफ्ट और खुशखुशी बना हुआ है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।